गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ में हमारा जो गद्य भाग है उसमें चैप्टर है धर्म की आर्ट। धर्म की आर्ट चैप्टर लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने जो चैप्टर बनाया है धर्म की आर्ट, तो ये प्रस्तुत पाठ में धर्म का मर्म बताया गया है। तो धर्म के मर्म से संबंधित एक प्रभावशाली यहाँ निबंध है। ये जो चैप्टर है हमारा धर्म की आर्ट, तो ये धर्म की आर्ट चैप्टर है वो एक निबंध है, निबंधिक रूप में यहाँ पे लिखा है। इस निबंध में लेखक ने धर्म के विभिन्न आयामों तथा पक्षों को स्पष्ट किया है। लेखक ने यह भी बताया है कि किस प्रकार दूत लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म की आड़ में, आड़ यानी कि पर्दा, धर्म का पर्दा लेके लोग कैसे स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म की आड़ में समाज व देश के सम्मान को कलुषित कर देते हैं। लेखक ने यह बताया है कि दूत लोग है वो स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म की आड़ में समाज व देश के सम्मान को कलुषित कर लेते हैं। आम आदमी बिना कुछ जाने समझे कुछ लालची व बुरे लोगों के संकेतों पर उत्पात मचाते हैं। धर्म के अर्थ को न जानने वाले सामान्य लोग भी धर्म तथा इमाम की रक्षा के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। यहाँ लेखक क्या बताते हैं धर्म की आठ चैप्टर में कि धर्म यानी कि जो लोग जानते नहीं ना, सामान्य लोग हैं, कि धर्म तथा ईमान क्या है, तो वो उसकी रक्षा के लिए जान तक दे देने को तैयार होते हैं। पर ये जानते नहीं कि धर्म ये सब किसने बनाए हैं, ये लोगों ने बनाए हैं, हमारा धर्म तुम्हारा धर्म, पर मूल बात क्या है वही वो तो नहीं जानते। तो ये लोग जो जानते नहीं, सामान्य लोग हैं, वो ये जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बात को स्वार्थी तत्व अपना हथियार बना लेते हैं। और जो स्वार्थी है धर्म के नाम पर, तो वो लोग है ना वो अपना हथियार बना लेते हैं ऐसे लोगों को। दूर तथा स्वार्थी लोग सीधे साधे लोगों को यहाँ फंसा देते हैं और फंसा कर उसको उनको आगे ले लेते हैं और बहका कर हमेशा उनसे अनुचित लाभ उठाया करते हैं। यानी कि वो उनको आगे करते हैं, फिर धर्म के लिए दंगा फसाद करते हैं। तो यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने धर्म की आठ चैप्टर में क्या बताया है, पाठ का सार क्या है, वो यहाँ मैं पढ़ के आपको समझाती हूँ। एक एक पैराग्राफ यहाँ पढ़ के समझेंगे हम। नाउ सी, इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और इमाम के नाम पर, और जीत की जाती है तो धर्म और इमाम के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और इमाम को जाने या न जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो यहाँ धर्म की आड़ यानी कि धर्म पे पर्दा, तो यहाँ ये पैराग्राफ में बताया है हमारे लेखक ने, इस निबंध में बताया है कि यहाँ जो ये समय चल रहा है तो ये धर्म के नाम पर धूम मची हुई है। ये हमारा धर्म है, तुम्हारा धर्म, हमारे धर्म में ये होता है, तुम्हारे धर्म में ये होता है। यहाँ सभी जगह उत्पात यानी कि उत्पात मचे गए हैं। जो उपद्रव उसे कहते हैं उत्पात यानी कि उपद्रव, खुराफात ये सब मचे गए हैं। तो धर्म और ईमान के नाम पर क्या होता है, जिद होती है, समझते नहीं और जिद होती है। यहाँ पे रमुआ और बुद्धू मियाँ, जो रमुआ है हिंदू है, बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, यानी कि ये दोनों है वो जानते नहीं या नहीं भी जानते या जानते भी है थोड़ा कुछ, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, धर्म के नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है, या तो एक शहर की बात नहीं, पूरे देश के जितने भी शहर हैं, जितने भी लोग हैं, तो सभी शहरों में यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बुझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुरजे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियाँ और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और इमाम की बुराइयों से काम लेना और उन्हें
सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। यहाँ क्या बताया है लेखक ने ये पैराग्राफ में कि देश, ये एक शहर की बात नहीं, एक गांव की बात नहीं, सारे शहरों में ये धर्म का धर्म के नाम पर यही हाल है। थोड़ा कुछ धर्म के बारे में सुना कि ये चलो हमारा धर्म है, उबल पड़े आगे। साधारण आदमी इसमें, केवल साधारण आदमी का दोष नहीं, वो कुछ समझता बूझता है नहीं आगे क्या होता है, ये लोग कौन है जो आगे हैं, उनका कुछ स्वार्थ लगा हुआ है धर्म के नाम पर, वो समझते नहीं, बस पीछे लगे जाते हैं। और ये से जो लोग हैं ना साधारण, वो लोगों को आगे वाले लोग जो है स्वार्थी धर्म के नाम पे, वो जहाँ जोत देते हैं वहाँ वो जोत जाते हैं। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुरजे पढ़े लिखे लोगों का। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कुछ चलते पुरजे जो लोग हैं ना, जो वो मूर्ख लोगों को जो नहीं समझते, जो उनकी शक्तियाँ और उत्साह है उनका दुरुपयोग करते हैं, उनको समझाते नहीं, समझाते बुझाते नहीं, बस आगे कर देते हैं। उनकी शक्ति तो है सब में, पर वो समझते नहीं, तो उनका उत्साह का वो दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार जाहिलों के बल पर, आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे, यानी कि वो लोगों को आगे कर लेते हैं, साथ में ले लेते हैं, फिर वो उनका नेतृत्व मतलब आगे लीडर बन जाते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सुगम, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ काम लेना उन्हें सुगम लगता है, क्योंकि अकेले तो धर्म के साथ आगे जा नहीं सकते, इसलिए इन ऐसे लोगों का सहारा ले लेते हैं धर्म के नाम पर, क्योंकि धर्म का दुरुपयोग करते हैं। पश्चिमी देशों में अमीर और गरीब के बीच की असमानता को दूर करने के लिए साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ था, लेकिन भारतवर्ष में वह स्थित नहीं है। यहाँ की जनता शक्ति का दुरुपयोग धर्म की आड़ में किया जा रहा है। जैसे नहीं समझते ना, उनको लेके दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका फायदा कुछ स्वार्थी लोग उठा रहे हैं। यदि इसे नियंत्रण करने का उपाय नहीं ढूंढा गया तो आपसी कलह निरंतर विकराल होती जाएगी, क्योंकि ये ऐसे ही चलता रहेगा तो ये विकराल रूप धारण करेगी धर्म के नाम पर। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और इमाम की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, जो सुबह कमा के शाम को खा लेता है, धर्म क्या इमाम क्या वो कुछ जानता नहीं, ऐसे साधारण लोग हैं तो उनके दिलों में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है, तो वो अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाता है धर्म के नाम पर। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था पर चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। जैसे मैंने बताया वैसे ही, कि जो लोग कुछ समझते हैं धर्म के बारे में, उनको वो आगे करके वो ऐसा अपना लकीर पीटने रहना ही अपना धर्म समझते हैं। उनकी ऐसी अवस्था जो लोग हैं ना समझते नहीं, उनकी अवस्था ये चालाक लोग समझते हैं और उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की, मैंने अभी समझाया वैसे कि जो दुरुपयोग करते हैं, पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की, यानी कि जो लोग पैसे वाले हैं, तवंगर है, धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएँ आकाश से बातें करती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े जो धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं उनकी, तो गरीबों की कमाई ही से वे मोट पड़ते हैं, और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूस जाते रहते हैं। यह भयंकर अवस्था है। इसी कारण साम्यवाद, बोल्शेजियम आदि का जन्म हुआ। यहाँ क्या बताया है लेखक ने निबंध में कि पाश्चात्य देश है तो वहाँ जो अमीर लोग हैं वो अमीर लोग अपना काम गरीबों से ही करवाते हैं, और उनकी जो झोपड़ियों है उनका मजाक उड़ाती है। जो अमीर लोग हैं उनकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो आकाश से आम भी जाती है, अट्टालिका या आकाश से बातें करती है, तो वो लोग गरीबों की कमाई से वो मोट पड़ते हैं और क्या करते हैं, उसके ही बल से तो वो आगे जाते हैं। वो सबका सब गरीब का अपना पैसा धन, अपनी वो मजदूरी कराते हैं, सब कुछ इसी से चूस लेते हैं पूरा गरीबों को, और वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं, सदा गरीब वहाँ चूसे जाते हैं। और ये भयंकर अवस्था है कि गरीब को जो काम करता है
उनके मतलब उनके काम के हिसाब से उतना वेतन ही नहीं देते, बस पूरा उसका जो काम करने का तरीका और काम लेने का तरीका धनी लोग है पूरा चूस लेते हैं गरीबों को। इसी कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का वाद जन्म हुआ था। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो पश्चिमी देश है, जो ऊंचे ऊंचे मकान वाले अट्टा इलाकाई वाले हैं, तो वो क्या को चूसे जाते हैं गरीबों को, पूरे दिन चूसे जाते, मजदूरी कराते हैं और कुछ उनके हिसाब से जो पैसे देने हैं तो होते हैं वो भी कुछ अच्छे से देते नहीं। बोल्शेविज्म सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था थी, तो वो स्थापित व्यवस्था इसके लिए की गई थी। नेक्स्ट, हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, हमारे देश की बात है यहाँ पे, कि हमारे देश में धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धन के नाम पर कुछ इनगिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, इमाम, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। यहाँ क्या बताया है लेखक ने, तो क्या बताते हैं कि जो धनपति है, पैसे वाले है, वो जितना धर्म के नाम पर जोर नहीं देते उतना यहाँ धर्म के नाम पर कुछ लोग ऐसे हैं, इन्हें गिने लोग, जो थोड़े ही कुछ ऐसे लोग हैं वो धर्म के नाम पर ऐसे दंडे फसाद करते रहते हैं। जो सारे धनपति ऐसा नहीं करते, वो तो धन कमाने में लगे हुए हैं, ऐसा इनको कोई ऐसा है ही नहीं धर्म का, पर इन्हें गिने कुछ आदमी है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सिद्धि के लिए, करोड़ों आदमियों है हमारे देश के जो गरीब है बेचारे, वो धर्म उनको बस एक खाना और फिर खा के उनका गुजारा करते हैं कमा के, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग वो ये इन्हें गिने आदमी उन पे लगा देते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं, जो धनाढ्य है यानी कि जो अमीर लोग है वो लोग ये गरीबों को इस धर्म के नाम पर चूसते नहीं, पर ये जितने भी बुरा यह है कि धन की मार पर, यहाँ है बुद्धि पर मार, वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यानी कि आप ये धर्म में मानोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतना मान मिलेगा, ऐसे मना लेते हैं गरीबों को बेचारे को और इसे इसमें जोड़ देते हैं, जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा, पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, इमाम, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को यहाँ लड़ाते बिड़ाते रहते हैं। लेखक के विचार से धर्म की उपासना के लिए सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। धर्म का संबंध आत्मशुद्धि का सदाचार से होना चाहिए, क्योंकि सच्चा धर्म यही है कि आत्मशुद्धि, यानी कि आत्मा को पाना। सभी धर्मों में क्या है, ईश्वर की प्राप्ति ही है, आत्मा की पहचान, सभी धर्मों में यही बताया है। तो सच्चा धर्म ये है कि सदाचार होना चाहिए, इससे आपसी में टकराव या दूसरों के साथ स्वाधीनता यानी कि लड़ाने भिड़ाने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तो क्या होता है, स्वाधीनता की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ क्या करते हैं लोग, एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और इमाम के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होगी। यहाँ क्या बताया है कि जो मूर्ख लोग हैं बेचारे कि धर्म के नाम पर हर दिन चिल्लाते रहते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, पता नहीं अब ये कहाँ हम जा रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं कुछ धर्म इमाम ये सब क्या है,
और अनियंत्रित और धूर्त आदमी का ऊंचा आसन करते हैं। जो लोग अनियंत्रित फैला रहे हैं उनका आसन ऊंचा कर लेते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। जो लोग इनके साथ लग गए हैं, मूर्ख है बेचारे, जो गरीब है लाचार है, उनको तो ऐसा कुछ है ही नहीं। पर क्या है, जो एक लोग आगे आ गया एक व्यक्ति, तो उनको ऊंचा आसन बढ़ाने के लिए वो हमारा आदमी है ऐसा करते करते उनका बल बढ़ाते हैं और उनको ऊंचे आसन पे बैठा लिया करते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार, जो लोग ये कर रहे हैं वो व्यापार ही कर रहे हैं ना, क्या कोई सदाचार सिखा रहा है ये लोगों को कि अच्छा आचार आचरण करना चाहिए। सभी धर्मों में यही बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा की पहचान, ये नहीं करते, ये तो व्यापार करते हैं धर्म के लिए। साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। अब ऐसा ही चलता रहेगा तो ये झगड़े थोड़े कम होने वाले हैं, ये तो नित्य प्रतिदिन बढ़ते ही जाने वाले हैं। तो ऐसे यदि कोई इस प्रकार धर्म का उपयोग करता है तो वह केवल धर्म का विरोध नहीं बल्कि देशद्रोह भी है। तो देशद्रोही देश में रहने वाले लोग ही एक दूसरे के साथ ऐसे देशद्रोही बन जाते हैं। इसमें स्वाधीनता संग्राम में उन दिनों को सबसे बुरा माना गया था जब इसमें मौलवियों और धर्मगुरुओं का हस्तक्षेप आवश्यक बना समझा गया था, क्योंकि इन्होंने लोगों में मजहब, प्रपंच तथा उत्पात भर दिया था। यहाँ क्या है, सभी धर्मों में एक ही राह बताई है, पर वो राह तो बता दिए नहीं। लोग क्या करते हैं, ये हमारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, ऐसे मूर्ख बेचारों को फंसा देते हैं। और जो लोग आगे हैं ना स्वार्थी, वो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं और अपना बल बढ़ाते हैं, और ये लोग इनका ये आगे आदमी का बल बढ़ाता है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और इमाम मन का सौदा है, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध है, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन है। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने, दो भिन्न धर्मों को मानने वाले के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। यहाँ पे हमारे लेखक ने बहुत अच्छी बात की है इस पैराग्राफ में। देखो यहाँ क्या है, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट न हो, जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपना सकता है, धर्म की उपासना में कोई भी रुकावट नहीं। यहाँ जिसका मन जिस प्रकार जीना चाहे उसी प्रकार वो जी सकता है, लेकिन जो मंजिल है वो सभी की एक ही तरफ जाने वाली है। जो धर्म की भावना में जिसका मन जहाँ लगना चाहिए वहाँ लग जाए, इस एक दूसरे के को मन को रुकावट यहाँ आनी चाहिए नहीं। धर्म और इमाम मन का सौदा है, ये मन का सौदा है, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध है। सभी धर्मों में एक ही बात है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सभी धर्मों में भले हमें अलग अलग नाम से जानते हैं, ईश्वर को पहचानते हैं, आत्मा की खोज करते हैं, तो हमने नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन बनाया तो सभी एक ईश्वर ने ही बनाया है। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध सभी धर्मों में है। तो यहाँ क्या बताया है कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए ऊंचे उठने का साधन बस एक हमारा ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध है। तो वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने, यानी कि कोई भी व्यक्ति की स्वाधीनता, जो जिस धर्म में मानना चाहे जैसे भी मानना चाहे, बस एक यहाँ ईश्वर की राह है वही चलनी चाहिए, एक दूसरे को यहाँ धर्म की आड़ में आना चाहिए नहीं। वह किस दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने, धर्म ये साधन न बने किसी दूसरे धर्म को कुचलने का, यानी कि कोई किसी एक ही व्यक्ति के मन में, यानी कि जिसका मन को जो भावे वो कर सके। आपका मन चाहे उस धर्म का माने या दूसरों का मन दूसरे धर्म में, उस प्रकार का धर्म वह मानता है। दो भिन्न धर्म के मानने वाले
टकरा जाने से, यानी कि जो मुसलमान है और हिंदू है दोनों एक दूसरे से टकरा जाएगी तो क्या कोई आपत आ जाएगी। एक मंदिर में जाके करता है भगवान की पूजा, एक मस्जिद में जाके करता है, तो इसे टकरा जाने से कोई भी यहाँ कोई ऐसे धर्म के नाम पे कोई भी स्थान नहीं है यहाँ पे। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो, लेखक यहाँ अच्छा बिल्कुल ठीक तरीके से समझाते हैं कि कोई एक दूसरे में टांग अड़ाए धर्म की, तो ये व्यक्ति देश के लिए स्वाधीनता से विरुद्ध है, ऐसा समझ के उसको सजा देनी चाहिए। ये सही तरीका है धर्म के नाम पे पढ़ना डालने की, मतलब कि सभी लोग अपना अपने धर्म से अपने अपने कर्म में काम करते रहते हैं, एक दूसरे में किसी को टांग अड़ाने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा यहाँ तक ये समझाया है लेखक ने। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया, और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से वे बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज स्थापित कर रही है। हमारे देश के धर्म के नाम पर अपराध और शोषण होते रहते हैं। एक धूर्त व्यक्ति आत्मा तथा ईश्वर के नाम पर जन समूह को भटका कर उनकी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। यहाँ क्या बताया है लेखक ने कि मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया, और हमारे इसी काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने, क्योंकि एक व्यक्ति को हमने जो आगे कर दिया तो वही व्यक्ति हमारे धर्म के नाम पर अब जड़ उखाड़ने के लिए देश को मजहबी और पागल पर, प्रपंच और उत्पात, यानी कि उत्पात मचाने के लिए, उपद्रव मचाने के लिए यह राज्य में स्थापित कर दी गई है। क्योंकि देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है, स्वाधीनता देश की स्वाधीनता के लिए, उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के लिए क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, जो एक प्रकार से उसी दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में कदम पीछे हटकर रखा। यह क्या बताया है लेखक ने कि जिस लोगों को आगे कर दिया उसी दिन से हम एक कदम पीछे रह गए थे। सभी लोग जैसे कि यहाँ हमारे देश में फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता से सब जीते थे, एक एक लोग को आगे कर दिया, मुल्ला, मौलवी, धर्माचार्यों को स्थान दिया हमने, उसी दिन से हम एक कदम पीछे हटकर, क्योंकि ये लोग क्या करते रहते थे, फिर धर्म के नाम पर बढ़ावा देते, हमारा धर्म बड़ा, वो बोलता है हमारा धर्म बड़ा, तो यहाँ से स्वाधीनता छीनी गई। इसलिए यहाँ ये पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था वह निस्संदेह अत्यंत बुरा था, वो ऐसा करना ही नहीं चाहता, सब अपने अपने तरीके से अपना अपना धर्म बजाते रहते, ऐसा यहाँ पे समझाते हैं लेखक। सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।